Protests have erupted in cities across Pakistan-occupied Kashmir over a demand to abolish the Kashmir Council, headed by the Prime Minister of Pakistan. They have demanded constitutional amendments in the Interim Act 1974 of Pakistan-occupied Kashmir to ensure full empowerment of the elected government of PoK through transfer of all powers of the Kashmir Council to the government. हम ये समझते हैं कि कश्मीर काउंसिल पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान एक वाज़ह तफरीक थी और कश्मीरी अवाम ये समझते थे कि कश्मीर काउंसिल के जरिए पाकिस्तान कश्मीरियों पर रूल कर रहा है और इसका खात्मा इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि आज़ाद कश्मीर के जो 52 महकमाजात है उसका कंट्रोल कश्मीर काउंसिल के पास था वसाइल कश्मीर काउंसिल इस्तेमाल करती थी थ्रू वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो इस काउंसिल के खात्मे से रियासत को मिल जाएंगे रियासत की हुकूमत मजबूत होगी और रियासत के वसाइल रियासत के अवाम के पास और रियासत के अवाम पर खर्च होंगे मैं ये समझता हूँ कि यह हुकूमत का ये इकदाम इंतहाई मुस्बत है और आज़ाद कश्मीर के अवाम मकबूजा कश्मीर के अवाम और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हुकूमत के इस इकदाम को अच्छी नज़र से देखते हैं और सताते हुए मुकम्मल हमायत का ऐलान करते हैं The protests have intensified after the Prime Minister of Pakistan-occupied Kashmir, Raja Farooq Haider Khan, said that PoK was not going to become a province of Pakistan. Rather, his government wants the Kashmir Council to be abolished. The PoK has its own elected president, prime minister, legislative assembly and the Supreme Court. But important matters including the budget and tax affairs are dealt with by the Kashmir Council. हम ये हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि ना मैं सिर्फ ये इत्तेजाज की आता को बल्कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो और ये कश्मीर काउंसिल का खात्मा हो और ये जो हक है डायरेक्टली जो है वो आज़ाद हुकूमत को बाख्तियार बनाया जाए ताकि बाख्तियार होने के बाद ये डायरेक्टली जो है ये राइट जो है वो ये जो कश्मीर आज़ाद कश्मीर हुकूमत है उसको दिए जाएँ और उसके बाद लोग बाख्तियार हों आज़ाद हुकूमत बाख्तियार हो और ये कश्मीर काउंसिल की जो लटकती तलवार है आज़ाद कश्मीर के ऊपर इसको आज़ाद कश्मीर के ऊपर से हटाया जाए इस अदारे को ख़त्म किया जाए और इस अदारे की अहम बात यह है कि इस अदारे की वजह से आज़ाद जम्मू कश्मीर के रियासत के रहने वाले लोग हुकूमत पाकिस्तान और फेडरेशन के साथ उनके तालुकात ख़राब होते हैं और डिप्राइवेशन का होता है और आज़ाद कश्मीर के टोटल टैक्स कलेक्शन का 62% पाकिस्तान कश्मीर काउंसिल की ब्यूरोक्रेसी और कश्मीर काउंसिल के नामजद उम्मीदवार नामजद जो मेंबरान हैं वो कहा जाते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर को